हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शमसानी, आप लोग का कॉमर्स मेंटर। एंड आज की जो वीडियो है वो हमारी डिजर्टेशन के ऊपर है। डिजर्टेशन बहुत जगह पे आप देखोगे तो मास्टर्स बनानी पड़ती है, चाहे अगर आपने एमकॉम करा तो हो सकता है वहाँ बनाओ, या फिर एमएड कर रखा है तो वहाँ बनाओ। सो मेरे एमएड में मेरे को डिजर्टेशन बनानी पड़ी थी, जिसका आप देखोगे पूरा फाइल बना हुआ है। एंड जो टॉपिक है दैट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेवेंस ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स थॉट्स एंड आइडियाज इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन। सो ये पूरी वीडियो आपकी इस डिजर्टेशन के ऊपर है, ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके कि डिजर्टेशन में आपको क्या करना है। सो अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर कोई भी डाउट लगता है देन डू कमेंट ऑन द वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से बिगिन करते हैं। ये आपकी डिजर्टेशन की एक पूरी फाइल दे रखी है, काफ़ी मोटी फाइल है, या देख सकते हो, जिसमें आप देखोगे तो डिजर्टेशन इज ऑलमोस्ट अ रिसर्च वर्क जो हम किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर करते हैं। एंड जो ये रिसर्च वर्क जो मैंने करा था वो हमारा APJ अब्दुल कलाम जी की जो भी थाट्स है, एजुकेशनल थाट्स, वो प्रेजेंट एजुकेशन में कितने लग रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। सो ये सबसे पहला टेबल ऑफ कॉन्टेंट है, जिसके अंदर आप देखोगे तो ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ये एज पर नॉर्म्स गिवन है बाई यूनिवर्सिटी। तो ये उसके हिसाब से हमने फॉर्म करा था, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारी स्टडी का, देन हमने कौन कौन सी मेथोलॉजी यहाँ पे यूज़ करी है, डिसमिनेशन हो गया एंड सिग्निफिकेंस हो गया। देन यहाँ पे हमने रिव्यूज़ देखे हैं लिटरेचर के, रिलेटेड लिटरेचर, मतलब किसी और ने भी अगर किसी ने रिसर्च कर रखी है तो उसने क्या बोला था। देन चैप्टर 3 में आपके पास स्टडी करी गई है, जो हमारा मेन टॉपिक था कि आपने कैसे कलेक्शन करा, मीनिंग एजुकेशन क्या रहेगा, एम ऑब्जेक्टिव क्या था, करिकुलम क्या था, टीचिंग मेथोलॉजी क्या रही है, डिसिप्लिन क्या है, रोल ऑफ स्कूल क्या है, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, सब कुछ आपके पास गिवन है। चैप्टर नंबर 4 अब यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर आता है, साइकोलॉजिकल थॉट्स एंड आइडिया ऑफ डॉक्टर कलाम, एजुकेशन फिलॉसफी एंड डॉक्टर कलाम बेस्ड ऑन रियलिज्म। सो ये आपके पास सारी चीज़ें फिलॉसफीज दे रखी हैं। एंड लास्ट में हम कॉन्क्लूजन करेंगे, देन हम लास्ट में रेफरेंसेज देते हैं। सो इन कॉन्क्लूजन क्या थे, फाइंडिंग्स क्या थे, सजेशन क्या थे। सो ये पूरा का पूरा डिजर्टेशन जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ से हम अपना डिजर्टेशन बिगिन करते हैं चैप्टर 1 के साथ। ये इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में आप पूरी पूरी कहानी लिखोगे एजुकेशन के ऊपर या जो आपने करना चाहे, और नीचे आप पेज नंबर 1 देख सकते हो। देन इंट्रोडक्शन में चलने के बाद फिर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है जो 1.1 है, कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम हम लोग ने देखी थी। सो दिस पहली स्टेप है, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी स्टडी टू बी कंडक्टेड, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम दिखी गई है, ओरिजिन क्या था प्रॉब्लम का, ये उसके ऊपर बेस्ड है। देन रिसर्च मेथोलॉजी आप क्या यूज कर रहे हो, बहुत सारी क्योंकि हमारे पास मेथोलॉजीज होती हैं, उसमें से आपने कौन सी यूज करी है, रिसर्च प्रोसेस के बारे में आपने बताया, क्योंकि ये सब इंट्रोडक्शन है। जैसे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हिस्टोरिकल वाली यूज करी है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, जो हमेशा पास्ट के बेसिस पे हम प्रेजेंट में स्टडी करते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है, जहाँ पे आप पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सो हमने यहाँ पे दो यूज़ करी है, हिस्टोरिकल रिसर्च करी है और डिस्क्रिप्टिव करी है। सो ये स्टेज वाइज दे रखा है, फर्स्ट स्टेज दे रखा है प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स में हमने क्या क्या करा, जैसे सेलेक्टेड बुक्स ली हमने, रिसर्च पेपर लिए, स्पीचेस लिए, लेक्चर्स लिए हैं। सेकेंडरी सोर्स में रिसर्चर ने ऑथर्स जो दे रखे हैं अब्दुल कलाम जी का, वो सब देखे हैं। सो ये आप सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी कलेक्शन, सेकेंडरी कलेक्शन, उसके बारे में। देन सिग्निफिकेंस आ गया, डिलिमिनेशन हो गया, देन सबके लिए अलग अलग यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस दे रखा है। टीचर्स के लिए अलग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, पॉलिसी मेकर्स के लिए अलग है, यूथ के लिए अलग है। एक दो फोटोज आपको मिल जाएगी, विंग्स ऑफ फायर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कलाम जी ने लिखी थी। देन कम्स योर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स, यहाँ पे आपके पास अलग अलग लोगों ने जो रिसर्च करी है उन्होंने क्या क्या रिप्रेजेंटेशन दिया था, ये उसके ऊपर बेस्ड होता है। सो मीनिंग एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन नोटेबल डेफिनेशन गिवन, आपके पास अलग अलग जगह से जैसे यूनिवर्सिटी टोरंटो ने दे रखी थी। देन इम्पॉर्टेंस क्या है लिटरेचर रिव्यू करने की, देन रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ये सब आपके जो PhD वाले हैं या MCOM कर रहे होते हैं, मतलब मास्टर्स में, या जैसे MED है, ये मेरे को MED में बनानी थी तो ये MED हो गया। ऐसे बहुत जगह पे आपको मास्टर्स वास्टर्स या PhD के टाइम पे रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च के टाइम पे आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है,
ये सब बनाने के लिए। या तो आप खुद बनाओगे, अगर खुद नहीं बनाते देन यू हैव टू पे अ वेरी बिग अमाउंट टू गेट द डिजर्टेशन। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप यहाँ से एक रेफरेंस ले सकते हो कि आपको डिजर्टेशन में क्या करना होता है, कैसे बनानी होती है। ये सब आप ही लोग के लिए ही बनाई गई है वीडियो, तो इसमें से आप आराम से देख सकते हो कि थ्योरी में क्या क्या यूज़ करा है, एंड ये आपको आसानी से मिल भी जाएगा। सो कलाम जी की जर्नी थी माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शन। सो ये सब आपने जो विंग्स ऑफ फायर है हर बुक का इन्होंने रेफरेंस दिया है कि हर बुक में हमने क्या क्या पढ़ा था। और रेफरेंसेस में आपने ध्यान, आपको पता होगा जैसे हमारे पास रेफरेंसेस का एक टॉपिक होता है एमएड में कि आपको हर पेज नंबर से आपने क्या उठाया, चैप्टर से क्या उठाया, वो सब आपको यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ता है, कौन सी बुक का कौन सा कॉन्टेंट कौन से पेज का आपने पिक करा है, विद ऑथर्स नेम, पब्लिश की जो डेट है, पब्लिशर कौन है, वो सब कुछ लिखना पड़ता है आपको। सो ये रेफरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था हमारा एमएड के अंदर, सो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ से चैप्टर 3 बिगिन होता है, द स्टडी ऑफ एजुकेशनल थॉट्स एज रिफ्लेक्टेड इन APJ अब्दुल कलाम्स। सो कलाम्स राइटिंग में आपका एजुकेशनल थॉट्स, एजुकेशन भी क्या रहा, थॉट्स के बारे में क्या रहा, ये उसके बारे में बताया गया है। देन रिफ्लेक्शन दैट इज थ्रोबैक, जो आप पीछे देखोगे कि क्या क्या बोला गया था, किस तरीके से बोला गया था। देन ग्रेट कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एजुकेशनल कोट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसमें यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट करा है अलग अलग सोर्सेज से। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, जिसमें हमने सबसे पहले कलाम की कलम से, सो जो उन्होंने कलाम जी ने अपनी कलम से लिखा था वो हमने यहाँ से एक बहुत अच्छा कोटेशन के साथ हमने यूज़ करा है। देन एजुकेशन का मीनिंग, जो कलाम जी ने बताया था एजुकेशन क्या होता है, आपको कोई और नहीं लिखना, हम कलाम जी के बारे में ही लेके चल रहे हैं, तो उनका क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था, उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे एजुकेशन को लेके। देन करिकुलम के बारे में उनका क्या कहना था, करिकुलम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। सो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 32 पेजेस कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर आपने 3 चैप्टर्स में आ गए। अब टीचिंग मेथोलॉजी क्या होनी चाहिए एज पर अब्दुल कलाम जी, सो ही स्ट्रेसेस ऑन क्वेश्चनिंग मेथड, ही सेज टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। सो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, क्योंकि जब आप एजुकेशन फील्ड में आते हो तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि बच्चे को आप कैसे डील करोगे। जितना अच्छे से आप स्टूडेंट को डील करोगे उतना ही अच्छा वो आपके साथ रहेगा, एंड एजुकेशन ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिसिप्लिन आ गया, उसके बारे में इनका क्या कहना था, उन सब के बारे में आप देखोगे। देन रोल ऑफ स्कूल की, स्कूल का क्या रोल है किसी भी एजुकेशन के लिए, किसी बच्चे के लिए। सो कलाम से इज दैट द स्कूल इज अ प्लेस वेयर अ चाइल्ड लर्न्स डिसिप्लिन, वेदर इट इज रिगार्डिंग हिज और हर सेल्फ कंडक्ट और हिज और हर शेड्यूल एक्टिविटीज। हियर अ स्टूडेंट ऑल्सो लर्न्स टू बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर विद हिज और हर टीचर एंड हिज क्लासमेट्स, एंड शेप्स हिज अ करेक्टर बाय हिज और हर ओन इन द सोशल एनवायरमेंट प्रोवाइड बाय द स्कूल। सो कलाम जी का बस यही है कि एक वो जगह है जहाँ पे बच्चा हर चीज़ सीखता है, शेयर करता है, क्रिएट करता है, इनोवेट करता है एंड सॉल्व करता है, तो इसीलिए इन्होंने स्कूल को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी कलाम जी ने। स्टूडेंट का क्या रोल है उसके बारे में इन्होंने डिफाइन करा था। देन पूरी डेफिनेशन के बाद, और ये देखो हर जगह आप लोगों ने ये मिलेगा आपको कि कहाँ से हमने कौन सी चीज़ बुक पिक करी है, कौन सा रेफर है पेज नंबर 9 से 12, जो भी बुक्स पढ़ी हैं आपने, क्योंकि आपको जो भी बुक्स पढ़ोगे आपको उसको रेफर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डिसर्टेशन या थीसिस के लिए। तो एनालिसिस अब करते हैं हम लोग थॉट्स का, तो ये एनालिसिस आपका एक तरीके से रिजल्ट है जो आपने बताया है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हिसाब से यहाँ पे कहानी हुई क्या। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर कलाम बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, ये सब चीज़ें आपने अगर बीएड कर रखा या एमएड कर रखा तो आपको सब चीज़ें आइडियलिज्म क्या होता है ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एंड वही सब चीज़ें आपको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है अपने डिसर्टेशन के अंदर। तो कलाम के क्या थॉट्स थे, कितने एक्चुअल में यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं हमारे पास प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में। देन एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर कलाम बेस्ड ऑन ह्यूमैनिज्म, ये सब आप टॉपिक अपने पास चाहो तो नोट कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प मिल जाएगी। और बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए मेरे को कमेंट करना, कमेंट करके आई विल शेयर यू द व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप पे मेरे को पिंग करोगे, आई विल प्रोवाइड यू द PDF।
बट वो ध्यान रखिएगा ये वो एसी बेस्ड जो ये बुक है, इस बुक के बेस्ड ही होगी, प्रोजेक्ट बेस्ड ही होगी, ये एडिटेबल नहीं होगी। मतलब मैं आपको वर्ड फाइल प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। सो इसको एडिट नहीं कर सकते आप, अगेन यहाँ पे कॉन्फ्यूजन फाइंडिंग्स आ जाता है। सो कॉन्फ्यूजन फाइंडिंग्स एंड सजेशंस, अ पैट्रियोटिक पीपल्स प्रेसिडेंट, एन इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो कॉन्फ्यूजन इज देयर कि आपने क्या फाइंडिंग्स करी हैं अपनी, एंड मेजर फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। यहाँ पे आपका ये एंड हो रहा है, कॉन्क्लूड कर रहे हो आप अपने टॉपिक को। सो यहाँ पे कलाम जी के बारे में आपने मेजर फाइंडिंग्स पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज अ ग्रेट टीचर एंड ही वॉन्टेड टू बी रिमेम्बर्ड एज अ टीचर आफ्टर हिज डिसमाइज। ही हैड फेथ इन ही हैड फेथ इन लाइफ लॉन्ग टीचिंग एंड लर्निंग। कलाम वॉज कंसिस्टेंट परफॉर्मर एज अ स्कॉलर, इमोशनल थे, काइंड हार्टेड थे, रिलीजियस पर्सन थे, सेकुलरिस्ट थे, बिलीव्स इन गॉड्स एंड सुपर पावर। जो ये सब चीज़ें आपने अपनी फाइंडिंग्स में लिखी हैं, और भी पॉइंट्स आप लिखोगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंशनड हैं। सो 23, 24, तो आपने बहुत सारे जितने भी रिसर्च करी है उसका जितना भी क्राइटेरिया बनता था हर एंगल से आपने रिसर्च करने के बाद देन ये फाइंडिंग्स दी हैं। तो अब हमारे पास इस पेपर में आप देखोगे तो टोटल 52 फाइंडिंग्स के बारे में बताया गया। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या रही हैं हमारे पास आइडियाज़ की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो उसके बारे में आपने यहाँ मेंशन करा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। सो होपफुली आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा डिजर्टेशन को कैसे प्रेजेंट करना, सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च वर्क। सो ये इंग्लिश में है, बहुत सारे बच्चों की हिंदी में बनती है, आप हिंदी में भी बना सकते हो। यहाँ पे हमने सजेशंस के बारे में मेंशन करा है। देन पॉइंट्स में ख़त्म हो गए, फिर रेफरेंसेस हमने दिए हैं, रेफरेंस में हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से पिक करी हैं। सो यहाँ से आप देखोगे चैप्टर 6 पूरा रेफरेंस के ऊपर है, कौन सी बुक ली है, किसकी बुक ली है, किसी स्कॉलर की हमने यूज़ करा है, तो सब कुछ हम यहाँ पर रेफरेंसेस में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये एंड हो जाता है। सो दैट्स इट योर विद द डिसर्टेशन। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप एक बार कमेंट करिएगा ज़रूर, आई विल ट्राई टू मेक इट सॉल्व फॉर यू। एंड अगर इसकी कोई भी PDF चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा नॉन एडिटेबल होगी वो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।